तो इस तरह से आप लोग अपने स्मार्टफोन को एज अ कंट्रोलर यूज कर सकते हैं अपने पीसी में। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को प्ले स्टोर में जाना है और हैंडी गेमपैड वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को हैंडी गेमपैड के वेबसाइट में जाके इसका एक पीसी वर्जन वाला सेटअप आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को पीसी में हैंडी गेमपैड के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इस तरह का उसका इंटरफेस रहेगा। आप लोगों को यहाँ पर किसी भी एक फ्री स्लॉट को सिलेक्ट करके स्टार्ट बटन में प्रेस कर देना होगा। इसके बाद आप लोगों को अपने स्मार्टफोन में हैंडी गेमपैड को ऑन करना है और अपने पीसी और स्मार्टफोन को एक साथ कनेक्ट करना होगा। इसके लिए आप लोग वाईफाई या फिर यूएसबी केबल का यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर अपना पीसी दिखेगा, आप लोगों को बस इसमें टैप कर देना है। इससे आपका स्मार्टफोन आपके पीसी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्शन के बाद गेमपैड वर्क कर रहा है नहीं, ये चेक करने के लिए आप लोगों को इस वेबसाइट में आना है। यहाँ पर आप लोग अपने गेमपैड को चेक कर सकते हैं। तो अभी सब कुछ पूरी तरह से सेट हो चुका है। अभी आप लोग किसी भी गेम को आसानी से अपने स्मार्टफोन की मदद से खेल सकते हैं। यहाँ पर आप लोग मैक्सिमम 4 लोगों के साथ मल्टीप्लेयर खेल सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में।